अचानक पानी से मस्जिद आई बाहर, 3 दशक से पानी में डूबी थी मस्जिद, दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे। बिहार के नवादा में 3 दशक से पानी में डूबी हुई एक मस्जिद मिली है। 30 साल पानी में रहने पर भी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है। नवादा के रजौली प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर फुलवारिया डैम के पास चंदौली गांव के समीप 3 दशक से पानी में डूबी हुई मस्जिद पूरी तरह दिखने लगी है। इसके बाद मस्जिद देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। वहीं अब नवादा में डैम में डूबी 120 साल पुरानी मस्जिद चर्चा का विषय बनी हुई है। दूर दूर से लोग दीदार करने पहुंच रहे हैं, लेकिन पानी और दलदल जमीन की वजह से नज़दीक जाने से परहेज कर रहे हैं। आपको बता दें, स्थानीय बुजुर्गों की माने तो चंदौली गांव के पास एक मस्जिद थी। रजौली प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर फुलवारिया डैम के पास ये मस्जिद थी। 3 दशक पानी में डूबे रहने के बाद भी मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है, इसे कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ग्रामीणों को जब पानी में डूबी मस्जिद दिखने की खबर मिली तो दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए पहुंचने लगे। पानी में डूबी मस्जिद दिखने की खबर आग की तरह फैल गई। दूसरे इलाकों के लोगों के साथ भी इसी जिले के लोग भी मस्जिद देखने पहुंच रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी डैम किनारे पहुंचकर मस्जिद का दीदार कर रहे हैं। वहीं कई युवा तो मस्जिद को नज़दीक से देखने के लिए दलदल जमीन और पानी में घुसने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र उन्हें दलदल में जाने से रोका जा रहा है। आपको बता दें, बुजुर्गों की माने तो ये मस्जिद 120 साल पुरानी है। 30 साल पहले ये मस्जिद पूरी तरह से पानी में डूब गई थी। 1984 में फुलवारिया डैम का निर्माण किया गया था। इससे पहले वहाँ मुस्लिम समुदाय की बड़ी बस्ती थी। सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण कर डैम का निर्माण करवाया गया था। डैम निर्माण की वजह से वहाँ बसे लोगों को डैम के बाहर वाले गाँव में शिफ्ट कर दिया गया था और मस्जिद को उसी जगह पर रहने दिया गया था। पानी भरने की वजह से मस्जिद का सिर्फ गुम्बद नजर आता था, अब पानी घटने की वजह से पूरी मस्जिद दिखने लगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।